नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको बताएंगे कैसे वैश्विक महामारी कोरोना के बीच क्यों जगमगाया मेक्सिको, लंदन की बेकरी में आटा गूंथने क्यों पहुंचे प्रिंस विलियम और केट मिडिल्टन। लगे शुरुआत दुनिया टॉप 10 से। कोरोना को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना अपने आप बिना वैक्सीन के खत्म हो जाएगा। कोरोना से लड़ने के लिए अपनी सरकार की उन्होंने तारीफ की। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ खुराक तैयार करेगी। कंपनी ने कहा कि वैक्सीन की मांग को देखते हुए हम इसका उत्पादन दुगना कर रहे हैं। जापान के संसद में मतदान में योशीहिदो सुगा को नया प्रधानमंत्री चुना गया। स्वास्थ्य कारण से शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया था। ताइवान से तनाव के बाद चीन ने बड़ा बयान दिया। चीन सरकार ने कहा कि चीन के हालिया सैन्य अभ्यास का उद्देश्य ताइवान में उसके विदेशी मददगारों को स्पष्ट संदेश देना। इसराइल यूएई बहरीन के बीच समझौते के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह नई और बेहतरीन शुरुआत है। बहुत जल्द 5-6 अरब देश भी इसी तरह के समझौते के तहत आएंगे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इससे पहले ट्रंप भी जायजा लेने पहुंच चुके हैं। फिलाडेल्फिया में राष्ट्रपति ट्रंप जब एक इंटरव्यू दे रहे थे तो उसी समय प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला और ब्लैक लाइव्स मैटर के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन की आलोचना की। गाजा पट्टी से रॉकेट हमले के बाद इसराइल की सेना ने हमास के आतंकवादी ठिकानों पर जवाबी हमला किया। इसराइल और 2 अरब देशों के साथ हुए शांति समझौते के विरोध में हमास ने रॉकेट दागे थे। दुनिया में कोरोना का कहर 2,97,00,000 के पार पहुंच गया। मरने वाले 9,39,000 से ज्यादा हो गए। किम वेस्ट ने अन्य हस्तियों की तरह अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को फ्रीज कर दिया। उन्होंने स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट अभियान के तहत ऐसा किया। जापान की संसद में बुधवार को हुए मतदान में योशीहिदे सुगा को नया प्रधानमंत्री चुना गया। लंबे समय से बीमार चल रहे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने बुधवार की सुबह अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जापान की राजनीति की ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है। जब लंबे वक्त से जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह जापान की संसद ने योशीहिदे सुगा को औपचारिक तौर पर देश का नया प्रधानमंत्री चुना। सुगा को बुधवार को हुए मतदान में अपनी पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के 534 में से 377 वोट मिले हैं। सुगा को सोमवार को ही जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नया नेता चुना गया था और इसके साथ ही उनका प्रधानमंत्री बनना तय हो गया था। मंत्रिमंडल के प्रमुख सचिव रहे योशीहिदे सुगा लंबे समय से आबे के करीबी रहे हैं। 1996 में पहली बार जापान की संसद के लिए चुने गए योशीहिदे सुगा किसान परिवार से आते हैं। 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी ने सुगा को आंतरिक मामलों और संचार विभाग का वरिष्ठ उपमंत्री बनाया था। माना जा रहा है कि 71 साल के योशीहिदे सुगा शिंजो आबे की ही नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद सुगा ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनका लक्ष्य कोरोना से फैली महामारी से लड़ना और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। आज तक ब्यूरो। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहे मेक्सिको में आजादी की 153वीं सालगिरह का जश्न इसके खौफ से बेअसर रहा। राजधानी के मेन स्क्वायर जुकुलू से राष्ट्रपति ने बेहद शानदार अंदाज में इसकी लौ जलाकर शुरुआत की। इन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि मेक्सिको कोरोना वायरस के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, क्योंकि आजादी के जश्न के आगे कोरोना का कहर फीका पड़ गया है। आजादी जिंदाबाद का नारा लगाते राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज के जोश ने और शानदार आतिशबाजी ने इस मौके को और खास बना दिया है। राजधानी के मेन स्क्वायर जुकोलो से राष्ट्रपति ने इसकी शुरुआत देश के झंडे को लहराकर और उम्मीद की लौ जलाकर की। इस दौरान मेक्सिको का आसमान शानदार आतिशबाजी और जोरदार लाइटिंग की वजह से जगमगाता नजर आया। मेक्सिको के झंडे का हरा, लाल और सफेद रंग भी मेक्सिको की जमीन और आसमान से रंगा नजर आया। इस दौरान राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी।
दुनिया के बाकी देशों की तरह मैक्सिको भी कोरोना वायरस की चपेट में है, जिसको देखते हुए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा रखा है, जिसकी वजह से मैक्सिको की आजादी के 153 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब लोगों की भीड़ सड़क पर नजर नहीं आई। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर लोगों को आजादी का जश्न मनाते देखा गया। मैक्सिको में 6,77,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में हैं और करीब 72,000 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आजादी का जश्न बेअसर रहा। बता दें कि हर साल 16 सितंबर को मैक्सिको आजादी का जश्न मनाता है। इसी दिन 1821 में मैक्सिको स्पेन से आजाद हुआ था। आज तक दुनिया के तमाम देशों की तरह इंग्लैंड की राजधानी लंदन पर भी कोरोना की दूसरी लहर का खतरा मंडराने लगा। इसे देखते हुए यहाँ फिर से कर्फ्यू लगाने की तैयारियां हैं। लंदन पब्लिक हेल्थ यूनिट के हवाले से खबर आई कि लंदन में फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है। देर रात तक बाहर रहने वाले या पीकर आने वाले ध्यान रखें, कर्फ्यू लगा सकते हैं। इससे पहले ब्रिटेन में कोरोना पर काबू पाने के लिए रूल ऑफ सिक्स का नियम लागू कर दिया गया। क्या दुनिया के बाकी देशों की तरह स्पेन में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है? ताज़ा आंकड़े और सरकार द्वारा फिर से लॉकडाउन लगाने की पहल से तो ऐसा ही लगता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अस्पतालों की हलचल आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। दरअसल राजधानी मैड्रिड में स्पेन में कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसे देखते हुए स्थानीय अथॉरिटी ने यहां 18 सितंबर से ज्यादा मरीजों वाले इलाकों में टारगेटेड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। पूरे स्पेन में 15 सितंबर को करीब 10,000 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। बताया जा रहा है कि स्पेन में कोरोना वायरस के कुल मामले के एक तिहाई लोग राजधानी मैड्रिड से हैं। यहां वायरस का सबसे ज्यादा खतरा उन इलाकों में है जहां कम आमदनी वाले लोग रहते हैं और जहां आबादी का घनत्व ज्यादा है। स्थानीय अथॉरिटी का दावा है कि लोग नए लॉकडाउन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। स्थानीय अथॉरिटी ने लोगों से इस बात की भी नाराजगी जताई है कि लोग लॉकडाउन हटने के बाद सड़कों पर पार्टी करते नजर आए, जिसके चलते कोरोना के नए मामलों में इजाफा हुआ। अब अगले हफ्ते से क्विक टेस्टिंग की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी ताकि नए मामलों की जल्द से जल्द पहचान की जा सके। स्पेन में अब 6,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका है, जबकि 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मैड्रिड में जिस तरह से कोरोना के नए मामलों में इजाफा हुआ है, इससे साफ है कि देश में कोरोना के दूसरे अटैक का खतरा बढ़ गया है। आज तक ब्यूरो। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका पर लगातार कुदरती कहर भी टूट रहा है। हाल ही में एक के बाद एक कई शक्तिशाली तूफान अमेरिका में तबाही मचाते रहे हैं और इसी सिलसिले में नया नाम है सैली का, जो अमेरिका से टकराने आ रहा है। सब कुछ उड़ा देने पर आमादा तेज हवाएं, समंदर में उठती जोरदार लहरें और बेतहाशा बारिश। अमेरिका के अलाबामा और फ्लोरिडा राज्य में समुद्री तूफान सैली के दस्तक के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। ये हवाएं मानो सब कुछ उड़ा देने पर आमादा थी। कहीं सड़कों पर पेड़ गिर गए तो कहीं गाड़ियों को नुकसान पहुंचा तो कहीं लोग बचने के लिए छिपने के लिए पड़ाव ढूंढते नजर आए। लाखों घरों में बिजली गुल हो गई और सैकड़ों घरों को नुकसान हुआ। तूफान का सबसे ज्यादा असर हवाई यातायात सेवाओं पर पड़ा और कई घरेलू उड़ानों को रद्द किया गया। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ही लुसियाना, मिसिसिपी और अलाबामा में इमरजेंसी घोषित की थी। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि इन इलाकों के निवासी स्थानीय नेता और राज्य सरकारों की हिदायतों का पालन करें। बावजूद इसके तूफान के बाद फ्लोरिडा पेंसाकोला शहर में तूफान के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको ब्रिटेन के रॉयल प्रिंस विलियम और पत्नी केट मिडिल्टन के एक बेहद अलग अंदाज दिखाते हैं, जो आपने शायद ही इससे पहले कभी ऐसा अंदाज देखा हो। दरअसल प्रिंस और प्रिंसेस एक बेकरी शॉप में पहुंचे। वहां पहुंचकर एक खास काम करने का उन्होंने फैसला लिया। राजकुमार, राजकुमारी के नाम से आपकी कल्पना में या किस्से कहानियों में जो भी तस्वीर ध्यान में आए, आटा गूंथते हुए एक ऐसी तस्वीर शायद ही कहीं फिट बैठती हो। ये तस्वीर लंदन के एक बेकरी शॉप की है, जहां प्रिंस विलियम अपनी केट मिडिल्टन यानी दुनिया के सबसे ताकतवर रह चुके राजघराने के राजकुमार और राजकुमारी एक बेकरी में आटा गूंथते हुए नजर आए। प्रिंस विलियम अपनी पत्नी केट मिडिल्टन के साथ बेकरी पहुंचे और शॉप में काम करने वाले लोगों से मुलाकात की।
दुकान पर पहुंचने के साथ ही पहले शाही जोड़े ने अपने हाथ को सैनिटाइज किया। इस दौरान दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। लोगों से मुलाकात के बाद ये दोनों पूरी बेकरी हाउस का जायजा लेते हुए किचन में पहुंचे। यहां दोनों बेकिंग से पहले आटा गूंथते हुए नजर आए। आटा गूंथने के बाद दोनों ने पूरी सावधानी से उसकी कटिंग की और बेकिंग की पूरी प्रक्रिया को बेहद ध्यान से देखा। बता दें कि कोरोना काल के दौरान भी प्रिंस विलियम का केट के साथ पहुंचना बेकरी कारोबार से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ उन लोगों के प्रति आभार जताना भी था जिन्होंने इस मुश्किल समय में लोगों की मदद की है। आज तक ब्यूरो। ब्रिटिश नीलामी घर क्रिस्टीज लगभग 67 मिलियन साल पुराने डायनासोर के कंगाल को बेचने की योजना बना रहा है। कंपनी ने बताया कि नीलामी अक्टूबर की शुरुआत में हो सकती है। स्टैन नाम के इस डायनासोर के कंगाल की खोज 1987 में साउथ डेकोटा में हुई थी। स्टैन की लंबाई 40 फीट ऊंचाई 13 फीट है। बॉब स्टार मडोना अपनी जिंदगी और करियर पर फिल्म बनाने जा रही हैं। फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ साथ वो फिल्म लेखन में भी सहयोग करेंगे। उनके साथ फिल्म का सह लेखन करेंगे ऑस्कर विजेता स्क्रीन राइटर डियाब्लो कॉडी। मडोना की जिंदगी कहानी न्यूयॉर्क से और न्यूयॉर्क की झुग्गियों से शुरू होती है और फिर बुलंदी के शिखर पर पहुँचती है। 5 दशक से एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में छाई मडोना ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग फीमेल म्यूजिक आर्टिस्ट मानी जाती हैं। 335 मिलियन रिकॉर्ड्स उनके बिक चुके हैं। इविटा अ लीग ऑफ देयर ओन फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की है। डब्ल्यू बाई ई नाम की फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी किया। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।